इकबाल साहब, आप इस टाइम संगपुरा आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के फेस्टिवल के बारे में आप? देखिए रिफाल साहब, यहाँ पर तो खूबसूरती भी बहुत अच्छी है, मतलब एक चीज़ है जहाँ यहाँ के फूल जो मिलते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ भी है, लेकिन एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, वो नेटवर्क की कमी है। नेटवर्क होना चाहिए यहाँ पर। हमारे साथ बाबर साहब भी जुड़ चुके हैं। बाबर साहब बोल। बाबर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में, आज के फेस्टिवल के बारे में? हाँ इकबाल साहब, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए, जो कमी है यहाँ पर, सबको पता है क्या है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी की कमी है, आपने देखा होगा यहाँ पर भी है, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन नेटवर्क की कमी है, जो नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, इसकी कमी है यहाँ पर, जो होना चाहिए यहाँ पर। अगर जो ये इलाका है यहाँ पर, जिस टाइम हम यहाँ पर खड़े, ये स्लोपी एरिया है, अगर इसको प्लान किया जाए, एक अच्छा सा मैदान भी बन जाएगा, तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सुकून मिलता है जब यहाँ पर आते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे फूल मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने में, इंजॉय करने में, सुकून मिलता है। लोकल जो यहाँ के लोकल्स हैं संगपुरा के लिए, अगर यहाँ पर और इस पे इम्प्रूवमेंट की जाए, उनके लिए कितना फ़ायदा होगा? यहाँ पे बहुत फायदा होगा, आने जाने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उनके लिए बड़ा फायदा है, तो ये सबके लिए फायदा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल साहब, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल खुले हुए हैं, इस टाइम यहाँ पर भी इनकी काफ़ी, यहाँ पर कस्टमर्स की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अगर ये काम हर दिन होगा तो यहाँ के लोकल्स को और यहाँ के जो स्टॉल वाले हैं, इनको कितना फ़ायदा होगा? बड़ा फायदा होगा यहाँ पर, ऐसा ऐसा मतलब ऐसे प्रोग्राम महीने में, साल में एक दो बार आते हैं, तो यहाँ पर बड़ा फायदा होगा, मतलब बेरोजगारी दूर हो जाएगी यहाँ पर। सर, क्या बनाया आपने आज? सर, हमने आज बनाई है दम आलू। अच्छा, देसी राजमा दाल, तो बनाए हमने चिकन, तो बनाए हैं चावल। चलो, काम कैसा रहा सुबह से? अभी दो घंटा से आप चला रहे हो स्टॉल को? सर, स्टॉल भी तो अभी फिलहाल मौसम की वजह से थोड़ा, हमने राशन पानी भी बहुत बनाया है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, क्या यहाँ के लोकल्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा? ज़रूर फायदा होगा, अगर इंशाल्लाह ऐसा ही रहा, मौसम ठीक रहा, तो लोकल को फ़ायदा यहाँ पर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको देनी है दिल्ली में जाकर, तो इंशाल्लाह फिलहाल मुझे छात्र का सबसे काम जाने वालों में से होगा। हमारे साथ यहाँ नज़ीर साहब हैं, नज़ीर साहब जो कि यहाँ के लोकल्स हैं। नज़ीर साहब, कैसा काम रहा आज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहा, बारिश की वजह से थोड़ा हो गया काम। अगर यहाँ टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे, क्या यहाँ के लोकल्स को फ़ायदा होगा? आप किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? ताकि यहाँ के लोग भी तरक्की कर सकें, ताकि बेरोजगारी भी, तो